एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड इंग्लिश की बुक का यूनिट फाइव की स्टोरी फनी बनी। इसमें क्या होता है, आपने नट सुना होगा। नट किसे बोलते हैं? देखो, नट मतलब होता है कोई ऐसा फ्रूट जो अंदर अंदर से तो खाने लायक हो, बट उसकी जो बाहर की सतह रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा कठोर और बोलना चाहिए नरम ना हो, उसे हम बोलते हैं नट। कोकोनट का एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कोकोनट तो आप सबने खाया होगा, हम नारियल पानी भी पीते हैं ना। देखो, उसके बाहर की जो सतह रहती है ना, बाहर की जो इस वो रहती है, वो कैसी रहती है, क्या बोलते, कड़क रहती है ना, हम उसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन जब उसे पीते हैं तो अच्छा लगता है। इसी तरीके से कोई भी फ्रूट जो बाहर से कड़क हो और अंदर से खाने लायक हो, उसे हम बोलते हैं नट। कोकोनट एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास में। और बाकी रहे फ्रूट्स, जैसे आप मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, तो उनको तो आप जो उनके छिलके होते, मतलब मैंगो के तो शायद ही, लेकिन एप्पल को छिलकों के साथ खा सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रैबिट रहता है। यहाँ पे सबके नाम बहुत, मतलब मुझे अजीब बताया है, जो सिमिलर टाइप के हो, तो आप कंफ्यूज मत होना। फनी बनी के ऊपर ही एक रैबिट रहता है, इसके ऊपर एक नट गिरता है, इसे क्या लगने लगता है कि मेरे ऊपर स्काई गिर रहा है, वो सबको जाके बताता है ना, और सब उसके साथ में जाने लगते हैं, और फिर इतने सारे लोग होके कहाँ जाते हैं, किंग के पास में जाते हैं। तो अब ज़रा हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। देखो, वन डे अ नट फॉल ऑन फनी बनी। एक दिन क्या होता है, एक नट जो है वो फनी बनी पे गिर जाता है। फनी बनी कौन रहता है? एक रैबिट रहता है। नट का मतलब मैंने आपको अभी समझाया, जो फ्रूट बाहर से बहुत ज़्यादा कड़क हो और अंदर से सॉफ्ट हो, उसे हम बोलते हैं नट। और बाहर का उसको खा भी नहीं सकते हैं, उसे फेंक देते हैं। फिर है आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। फिर फनी वनी क्या बोलते हैं, आउच, जब हमको लगती है तो हम बोलते हैं ना आउच, इस तरीके से, जो स्काई है वो तो गिर रहा है। सेड फनी वनी, आई मस्ट टेल द किंग, मैं किंग से बोलता हूँ। ऑन द वे ही मेट हनी फैनी, वो रास्ते में किससे मिलते हैं, हनी हैनी फैनी से। हैनी फैनी, हैनी फैनी कौन रहती है, या फैन देख रहे हो, मुर्गी यही रहती है। अब क्या बताता है फनी वनी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी वनी, ये जो स्काई है ये गिर रहा है, फनी वनी बोलती है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं जाऊंगा और राजा को, किंग को बता के आऊंगा। आई विल केम टू, सेड हनी फनी, हनी फनी क्या बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और जब वो जाते हैं तो किंग को ढूंढने लगते हैं। सून दे मेट कॉकी लॉकी, अब कॉकी लॉकी से मिलते, देखो कॉकी लॉकी कौन रहता है, इस तरीके से रहता है ना। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी, जो स्काई है वो गिर रहा है, कौन बोलता है, फनी बनी। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं जाऊंगा किंग को बता के आऊंगा। आई विल कम टू, सेड कॉकी लॉकी, कॉकी लॉकी क्या बोलती है कि मैं भी जाऊंगी और किंग को बता के आऊंगी। एंड ऑफ दे वेंट टू द किंग, और फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, किंग के पास जाते हैं। ऑन द वे दे मेट लकी डकी, उस रास्ते में वो किससे मिलते हैं, लकी डकी से मिलते हैं। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, जो स्काई है वो गिर रहा है, मैं जा रहा हूँ किंग के पास उनको बताने के लिए। आई विल केम टू, सेड लकी डकी, वो क्या बोलते हैं कि मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ में, या चलता हूँ लकी डकी, मतलब डक रहती है ना, डकी आया है इसके नाम में, ठीक है। देखो, एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और जब वो किंग को ढूंढ रहे थे, उनको रास्ते में कौन मिला, पौधी गौजी मिला। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, जो स्काई है वो गिर रहा है, फनी बनी ने कहा, मैं जा रहा हूँ किंग के पास उनको बोलने के लिए। आई विल केम टू, सेड पौधी गौजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, पौधी गौजी ने कहा। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और जब वो किंग को ढूंढ रहे थे, ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, अब उनको क्या मिला, वॉक्सी फॉक्सी। देखो, थोड़ा नाम से भी समझना है ना, यहाँ पे जो नाम है उसके ऊपर भी आपको एनिमल बताया है कि कैसा क्या होएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे उनको फॉक्सी वॉक्सी मिला,
अब द स्काई इज गोइंग टू फॉल दे ऑल सेड वी आर गोइंग टू टेल द किंग. सब क्या बोलते हैं उससे फॉक्सी से कि हम सब किंग को बताने जा रहे हैं कि जो आसमान है वो गिर रहा है. द किंग लीव्स हियर. जो किंग है वो यहाँ रहता है. फॉक्सी ने कहा मेरे साथ चलो. एंड वॉज द एंड ऑफ फनी बनी हैनी फैनी कॉकी लॉकी लकी डकी एंड पॉली गौरी. अब सब जा रहे हैं भैया किंग के पास में उनसे बोलने के लिए जो हमारा आसमान है वो सर पे गिर रहा है. कौन कौन जाता है? फनी बनी हैनी फनी कॉकी लॉकी लकी डकी एंड पॉली गौरी. देखो इस स्टोरी का मतलब समझाने का यही है कि कई वर्ड्स भी सिमिलर हो सकते हैं. थोड़ा है ना, पूरा तो नहीं, थोड़ा मैं बता रही हूँ. अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं ज़रा हम. नट का मतलब बच्चों मैंने आपको अब भी बताया था. नट मतलब होता है कोई फ्रूट जब बाहर से सख्त हो और अंदर से खाने लायक हो उसको हम बोलते हैं नट. जैसे चेस्टनट का नाम सुना होगा ना आपने, चेस्टनट होता है. इसी तरीके से अखरोट है ना, अखरोट भी हम खाते हैं. वो कैसा रहता है? बाहर से कठोर रहता है, अंदर से खाने लायक रहता है. ज़्यादातर नट ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, पूरे भी नहीं, कुछ कुछ होते हैं. मैट मतलब होता है मिलना. आई एम मतलब होता है मैं. आई विल मतलब होता है कि आप वो करोगे, ठीक है. ऑफ मतलब होता है ऑफ हो जाना. एंड वी आर मतलब होता है हम.